Hi, hello, namaste friends, welcome to Usharani Indo Greek Cooking. Today I am going to show you how to make garlic potatoes, aloo, lasson. Iske liye humne liya hai 2 medium size aloo, is tarah kata hua 1 tablespoon kash kiya hua garlic, lasson, 1 tablespoon simla mirch barik kata hua, 1 tablespoon corn flour, 1 teaspoon green chili बिसा हुआ हरी मिर्च धनिया कटा हुआ स्वाद अनुसार नमक 2 टेबलस्पून तेल सो आइए सबसे पहले हम उबला हुआ पानी में पोटैटोस आधा उबाल कर निकालेंगे पानी बन रहा है इसमें पोटैटोस डाल देंगे आधा कुक करके इसको निकालेंगे इसमें थोड़ा तेल डाल दीजिए आधा कुक हो गया है इसको अभी निकाल देंगे हाँ टूट रहा है आधा कुक हो गया है फिल्टर कर लिया है हमने अभी इसमें कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं डालकर उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह मिक्स हो गया है हमारा आलू अभी इसमें कढ़ाई में थोड़ा से 1 टेबलस्पून तेल डाल के गैस में रखा है तेल गर्म हो गया है अभी एक एक करके इसमें रख देंगे यानी हम तेल में फ्राई नहीं करेंगे जैसा हम फ्राई करते हैं ना आलू ऐसा फ्राई नहीं करेंगे ऐसे करके इसमें हल्का से कुक करके ऐसा लगेगा जैसा हमने तेल में फ्राई किया है लेकिन तेल में फ्राई नहीं करेंगे इसमें लाइट ब्राउन आने तक इसको कुक करेंगे आधा कुक हो गया है इसमें और कुक होना है जैसा ब्राउन आ गया ना जैसा हमने ज़्यादा तेल में फ्राई कर कर निकाला ऐसा बन गया इसलिए पहले से हमने आधा कुक किया उसके बाद ऊपर कॉर्नफ्लावर डाला इसलिए वो एकदम क्रस्पी बन गया है अभी ठीक है इसको निकाल देते हैं जैसा 2 टेबलस्पून तेल में क्रस्पी पोटैटोस बना दिया हमने एकदम सही बना सो अभी इसको तड़का लगा देंगे फ्राई पैन में 1 टीस्पून तेल डाला थोड़ा से आधा टीस्पून जीरा डाल दिया अभी इसमें लहसुन डाल देंगे लहसुन लाइट सा कलर चेंज होएगा तो अभी इसमें ही हरी मिर्च डाल दिया शिमला मिर्च डाल दी तो अभी इसको एक राउंड बनाते हैं थोड़ा से नमक डाल देते हैं इसमें और इसमें ही आलू डाल देते हैं आलू डालकर मिक्स करेंगे अभी एकदम टेस्ट अच्छा लगेगा डिफरेंट टेस्ट लगेगा मिक्स हो गया है गार्लिक के साथ अभी धनिया डाल देते हैं जो कटा हुआ धनिया डालकर मिक्स कर देते हैं तो रेडी हो गया हमारा गार्लिक पोटैटोस इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं रेडी हो गया है हमारा टेस्टी गार्लिक पोटैटोस एकदम क्रिस्पी अच्छा लगेगा बनाकर देखिए डिफरेंट टेस्ट लगेगा चाहिए थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला डाल दीजिए और अच्छा लगेगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट रेसिपी भी मिलेंगे तब तक टेक केयर बाय